गिरा दी ताली प्रधान ने, ये पहला भर ये ताली प्रगति पर। अगर आप देखिए आपकी हमदान ताली, अब तक इन्होंने ईश्वर में तीन गेंदे की है, दो गेंदे इस वीर के साथ और तीसरी गेंद बैक एंड टू सर्वर, तो क्या कहना चाहेंगे? पहला विकेट देखो देखो जिस तरीके से ये गेंदबाज है, तो लंबे कट का फायदा मिलता है जब आप एक गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करते हैं। और जब आपके पास पहली दो गेंदे अच्छी खासी स्पीड लेके बाउंस लेते हुए और तीसरी गेंद पे फंसाया बल्लेबाज को, जो फ्लोवर की बात आप कर रहे थे, इस गेंदबाज के अंदर वो सलाहियत है ताली प्रदान के अंदर। ये भी जौनपुर से आते हैं, हम भी जौनपुर से आते हैं, और पहली विकेट पहली ओवर में मिल जाए तो फिर कहीं ना कहीं टीम का हौसला बढ़ता है। बल्लेबाज अभी तो नहीं आए हैं, कल आने की उम्मीद है, कल आएंगे अहमदाबाद में सर, कल आएंगे। राहुल गए बल्लेबाजी करने के लिए, पहला ओवर ये प्रगति पर, पहले ओवर में पहली सफलता दिलाई है तालिब ने, तीन गेंदे अभी तक ईश्वर की हुई है, पहली दो गेंदे बिल्कुल स्पीड के साथ गेंदबाजी की है, तीसरी गेंद पर बढ़िया बैक एंड टू सर्वर का इस्तेमाल, चल रही है पहला ओवर ये प्रगति पर। 8+60 ओवर का ये मुकाबला, टॉस जीत कर बल्लेबाजी करने का फैसला मुंगेर बिहार का, क्या शानदार मुकाबला चलता हुआ, लाजवाब ये दृश्य मैदान के ऊपर। अगली गेंद ये चौथी ओवर, चौथी गेंद ईश्वर की स्पीड अच्छी गेंद, फिर से कलाइयों का प्रयोग करने का प्रयास, फिर करने का प्रयास किया था बल्लेबाज राहुल ने, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद गई थी विकेट कीपर के दस्ताने तक, लेकिन अगर वो हाथ में जाती तो फौरन मिल जाते। ध्यान देता है अगर वहां से गेंद फिर से टकरा के अंदर आती है तो वो कैच मान्य नहीं होगा, और साथ ही साथ जो स्ट्रेट बनी हुई है अगर पेड़ से टच होती है जाएगी तो सिक्स माना जाएगा। इसी बीच अगली गेंद हवा में गिर है, नो मैन स्लैंड में गिर जाकर गिरी है, अंकित मौर्या जो विकेट कीपर के दांव पे टीम का हिस्सा है, एक रन आसानी के साथ स्कोर इस वक्त पहला मैच चल रहा है अभी 11 चुनाटा और खाता खुलता हुआ मुंगेर बिहार का। 8+60 ओवर का मुकाबला, पहले ओवर की बाजी लेके तैयार है तालिब, क्या शानदार गेंदबाजी की है तालिब, लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहिरा, पांच गेंदे अब तक इस ओवर में की है, चार गेंदे बिल्कुल स्पीड के साथ, मात्र एक गेंद जो स्लोअर पर फंसाया था। अब लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन मैदान पर, लेफ्ट विंग बल्लेबाज अब स्ट्राइक के ऊपर, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन इस वक्त पिच मैदान पर, तालिब फील्ड में लगातार परिवर्तन, क्योंकि जब भी लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन मैदान पे होता है तो फिर फील्ड में लगातार परिवर्तन करना पड़ता है। ये ईश्वर की लास्ट गेंद, इस बार भी बैक एंड टू सर्वर का अच्छा इस्तेमाल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, मात्र एक रन, एक ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है मात्र एक रन, टॉस जीता टीम कैप्टन मुंगेर बिहार ने, और टॉस जीतने के तुरंत बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और जितनी भी टीम ने इस मुकाबले में अभी के मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर जितनी भी टीमों ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, लगभग 99% उसमें 100% उस मैच ने, उस टीम ने मैच को अपने नाम दर्ज किया है। दूसरा ओवर अब प्रगति में चलता हुआ, एक ओवर समाप्त हो चुका है, गेंदबाजी करने के लिए आए अभि शर्मा, अभि शर्मा जो काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, और ये भाई वो खिलाड़ी है जो जामिया के अंदर जिन्होंने छक्का लगाकर 60,000 रुपए कमाए थे, गेंदबाजी करने के लिए आए अभि शर्मा, काफी एक्सपीरियंस अनुभवी ये खिलाड़ी। दूसरा ओवर ये प्रगति पर, पहले ओवर की गेंदबाजी की है तालिब ने और मात्र एक रन खर्च किए, अब अपने सबसे अनुभवी खिलाड़ी के ऊपर, सबसे अनुभवी गेंदबाज के ऊपर जिम्मेदारी को सौंपा है। पहली गेंद कंध का अच्छा इस्तेमाल और बैकफुट पे जाके लवर की दिशा में खेला बल्लेबाज ने और एक रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 2 रन। दूसरा ओवर ये प्रगति पर, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन अगर आप फील्ड पोजिशन देखिए तो विकेट कीपर के तौर पर AK-47 एक खिलाड़ी को लगा रखा है फाइन लेग एरिया में, एक खिलाड़ी स्पिन लेग बाउंड्री की दिशा में, एक खिलाड़ी के मिड विकेट, एक लावान, एक लावॉफ। इसी बीच अभि शर्मा की इस वक्त की दूसरी गेंद, लाजवाब गेंद, ये बिल्कुल टेस्ट लाइन वाला टप्पा था, ये क्रिकेट का आदर्श टप्पा कहा जाता है, आप स्टंप से थोड़ी सी बाहर और ओवर पिच ये बॉल नहीं थी, ये गेंद पड़ने के बाद हल्का सा स्किप करती हुई भी प्रगति पर, लाजवाब ये मुकाबला चलता हुआ अतीक अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट। इस बार लो फुलटा स्पीड, बल्ला पहले चला के हल्का सा लेट आई, एक आसानी के साथ इसी के साथ स्कोर पहुंच चुका है 3 रन। तो एक एक रन से यहां पे शुरुआत की जा रही है, ये दूसरा ओवर ये प्रगति पर, 8+8 ओवर का ये मुकाबला है, टॉस जीत कर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है मुंगेर बिहार ने, अब स्ट्राइक के ऊपर
राहुल कोटे का पहला टीम जीते का दूसरा बल लेकर चल रहे अबू शेमा अनुभवी एक्सपीरियंस ये बॉलर अगली राहुल के लिए अच्छी गेंद लाजवाब गेंद कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। ये दूसरा ओवर मात्र 3 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर कामरान खान मोनू खान सलीम खान इमरान खान तलहा हुजैफा इन सारे लोगों की जो मेहनत है नूरुद्दीन खान साहब वर्तमान ग्राम प्रधान शमशाद खान उपवादा इजाज़ भाई अमराज भाई सारे लोगों की मेहनत अब काम कर रही है। इसी बीच आप स्टंप के बाहर ये गेंद थी और उसको लेग स्टंप से बाहर खेलने का प्रयास किया था मात्र 1 रन मिलेगा इसी के साथ स्कोर है मात्र 4 रन। तो ताली क्या लाजवाब गेंदबाजी चल रही है अगर आप देखें आबिद इलेवन जुनेडा ने बिल्कुल भाग के रखा हुआ है क्या कहना चाहेंगे इसके पारी को देखकर बिल्कुल देखिए पास देखकर जिस तरीके की शुरुआत अभी तक टीमों ने दिया उस तरीके की शुरुआत नहीं मिली है भैया और हालांकि जब पहले के ओवर में ही विकेट मिल जाता है तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है वापसी करना। इसी बीच अगली गेंद बिल्कुल आपने सही कहा तालिक जब पहली ओवर में आपको विकेट मिल जाती है तो आपको जो अगला के चुन्नू भाई से बच्ची ले उसको संयम के साथ बल्लेबाजी करनी चुन्नू भाई रन रेट को मेंटेन करके रखना पड़ता है और साथ ही साथ जो विकेट है विकेट पे चुन्नू भाई गोसी तो काफी कुछ निर्भर करता है। 130 दो ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 4 रन। अब तीसरे ओवर की गेंदबाजी लेकर टीम के कैप्टन दो ओवर के समाप्ति पे टारगेट 4 रन एक ओवर में मात्र 1 रन खर्च किया है और पहली सफलता दिलाई थी अपनी टीम को। राहुल जो अभी स्ट्राइक के ऊपर मौजूद है एक सीट लगा रखा है तालिब ने एक किनारे को लगा रखा है पॉइंट की दिशा खिलाड़ी हवा में गेंद और एक आधार ये 2 विकेट निकाल दिया तालिब ने। ये दूसरा ओवर इनका चल रहा है इनके इस खेल का दूसरा ओवर टीम के कोटे का तीसरा ओवर और ये पहली गेंद थी और पहली गेंद आपको थोड़ा सा संभल के खेलना चाहिए आपको थोड़ा सा विकेट बहुत फास्ट है भाई ये बहुत तेज विकेट है यार सीमेंट बॉल जैसा सीमेंट पैकेट जैसा बॉल आ रहा है एकदम सन से अमित गए बल्लेबाजी करते हैं कि दूसरा विकेट तालिब गिराए आप क्या कहना चाहेंगे क्या गेंदबाजी चल रही है गेंदबाजी देखिए बहुत लाजवाब चल रही है कहीं ना कहीं मुंगेर बिहार के बल्लेबाजों को संभल कर भी खेलना है रन भी बनाना है फिर कहीं थोड़े से संभल कर खेलने की कोशिश बल्लेबाज नहीं करते और हालांकि 8 बजे के मुकाबले में संभलने का मौका नहीं लेकिन कहीं ना कहीं जब 2 विकेट गिर जाए 2 तक 4 रन हो तो फिर अगले 2 ओवर में कम से कम विकेट बचाना है रन बॉल भी खेले आखिर के 4 ओवर में अच्छे खासे रन कर सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ताले अब यहाँ से जो आने वाले बल्लेबाज है उनके ऊपर जिम्मेदारियां अब बढ़ गई है अब यहाँ से आपको विकेट को बचा के रखना है रन रेट को मेंटेन करके रखना है अब बहुत बड़ी आप बाउंड्री नहीं खेल सकते अगर आप सीधे बल्ले से खेलेंगे तो आसान होगा इस बार सीधे बल्ले से खेला है बिल्कुल मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के अंदाज वाला ये शॉट अब इस चार के साथ स्कोर पहुंच चुका है 8 रनों पर बताएं ना तीसरा ओवर की प्रगति पर तारीख अपने कोटे का अपने इस खेल का दूसरा ओवर टीम के कोटे का तीसरा ओवर क्या लाजवाब गेंदबाजी चल रही है बिल्कुल बांध के रखा हुआ है मुंगेर बिहार को सारी जोड़ी जो मैदान पे गई थी पहले ओवर में विकेट गिराई थी तालिब ने अगली गेंद इस ओवर की तीसरे ओवर की अगली गेंद बाहर बैठे दूसरे ओवर का अच्छा इस्तेमाल और अभी तक तालिब इन्होंने जितने भी बैठे हैं तो सोलह का इस्तेमाल किया है किसी ने पढ़ नहीं पाया है लाजवाब सत्ते पर गेंदबाजी चल रही है मात्र 8 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर तीसरा ओवर की प्रगति पर शानदार मुकाबला चलता हुआ कस्बा माहौल स्पोर्ट सफर एजेंट और एशियन स्पोर्ट के जरिए आज नहीं है कल उनके खेलने की संभावनाएं लगभग 90% है। वाइड बॉल का इशारा था हुआ अंपायर और फर्स्ट बाउल का इशारा भी कर दिया है अंपायर प्रदीप यादव ने इस वाइड के साथ 1 रन आउट होता हुआ अभी छोटे से बार में हैं, आपको मात्र जो आप बाउंस कर सकते हैं नंबर लेके दे दूंगा आने वाली जो आप दूसरी गेंद बाउंस करेंगे तो आपके लिए खतरा हो सकता है संभावना लेके ताली फिर से तैयार स्ट्राइक पे राहुल इस बार अच्छी गेंद ताली के सारे खेल कर 1 रन आसानी के साथ बटोरा है दोनों बल्लेबाज ने हालांकि दूसरा चाहते हैं नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज लेकिन इनकार किया तीसरा ओवर की प्रगति पर लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश किया है तालिब ने और ये तालिब जब टीम का कैप्टन कमान संभालता है वो जब मैदान पे होता है तो 11 खिलाड़ी जो मैदान पे होते हैं
तो वो 10 खिलाड़ी को लीड करता है। और साथ ही साथ अगर कोई खिलाड़ी जो गेंदबाज हो, बहुत कम देखते हैं जो टीम का कैप्टन होता है वो गेंदबाज होता है, खास करके जो बल्लेबाज होते हैं वही टीम के कैप्टन होते हैं। पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही शानदार, उन्होंने ओडीआई का जो वर्ल्ड कप था उन्होंने नाम किया। इसीलिए क्या लाजवाब गेंदबाज है, और ये लंबे करके ये बॉलर है अपनी लंबाई का लाजवाब इस्तेमाल कर रहे हैं। ये विकेट गिरता हुआ, ये तीसरा झटका लगाए मुंगेर बिहार को। अरे वाह तालेब अंकित भाई, अच्छी है टिटू, कैप रखा है बैग में। क्या बोल रहे बल्लेबाज ने सुने, रोहित गए बल्लेबाजी करने के लिए। एक और विकेट गिरता हुआ मुंगेर बिहार का, तीसरा ओवर ये समाप्त हो चुका है। संभवतः तीन ओवर के समाप्त के बाद बैटिंग की उनकी बॉलिंग भी ऐसी हो। पांच गेंद अभी भी एक गेंद बची हुई है, 8+8 ओवर का ये मुकाबला है। टॉस जीत कर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है टीम के तनाव मुंगेर बिहार में। अभी भी एक गेंद बची हुई है, एक गेंद अभी भी शेष है। 8+7 ओवर का ये मुकाबला है, टॉस जीता था मुंगेर बिहार ने और टॉस जीतने के तुरंत बाद नाम बता देने का करने का फैसला किया था। मिडिल ऑर्डर बिल्कुल दबंग हो चुका है, सारी जो मैदान में गई थी वो दगाउट में आराम फरमा रही है। अब आने वाले बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको एक माइंडसेट के साथ खेलना है, एक रन रेट को मेंटेन करके रखना है। गेंदबाजी के लिए ताले फिर से तैयार, लंबे सरगत के साथ लंबे कद के ये बॉलर अपनी लंबाई का काफी बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं, कंधे का बहुत ही लाजवाब इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए खिलाड़ी क्या उसके नीचे आएंगे, लेट हुए दो मैच कर गिरी और एक रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज ने पूरा किया। ओवर की समाप्ति का ऐलान, तीन ओवर की समाप्ति के बाद भैया बोलिए सोएब आलम 11 रन, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है। बुरा मत मारा करो यार, लेकिन वही चीजें बार बार आप लोग तालिक ने 2 ओवर का स्पेल किया है और मात्र 8 रन खर्च किया, तीन बड़ी सफलताएं 11 रन, तीन बड़ी सफलताएं मात्र 8 रन, 3 ओवर का स्कोर। ऐसे विकेट गेंदर को बिल्कुल सपाट के विकेट है, बाउंड्री बिल्कुल बहुत करीब है, 50 से 55 मीटर की बाउंड्री है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इतनी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं तो आपके स्किल से क्या लाजवाब गेंदबाजी की है। तालिक पठान ने बिल्कुल कमर तोड़ के रख दिया है, रीढ़ की हड्डी को तोड़ कर रख दिया है मुंगेर बिहार के। हरीश मंसूरी भी नहीं आया, राहुल स्पोर्ट, एसीएल स्पोर्ट्स, जफर एनसेट, इन्होंने अपने कैमरे को ऑन कर लिया है। आज के दिन का ये पहला मुकाबला चलता हुआ, लाजवाब ये मुकाबला होने की संभावनाएं थी। मुंगेर जो बिहार से सफर तय करके उत्तर प्रदेश 23 ऑर्गेनाइज किया है, कामरान खान साहब इस आईपीएल प्लेयर जो उनके वालिद मोहतरम उनके फादर उनके नाम से इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अतीक अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, आज इस टूर्नामेंट का चौथा दिन, चौथे दिन का पहला मुकाबला, टॉस जीत कर बल्लेबाजी करने का फैसला बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। टीटू अपने कोटे का पहला, टीम के कोटे का लेकर आए चौथा। पहली गेंद और वाइड के साथ शुरुआत किए टीटू ने, इस एक्स्ट्रा के साथ एक रन और स्कोर बोर्ड में जुड़ता हुआ, इसी के साथ स्कोर पहुंच चुका है 12 रन। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ बड़े भाई तालिब सिंह जौनपुर और साथ ही साथ स्कोरिंग की जिम्मेदारी अदा कर रहे बड़े भाई सचिन, जिन्होंने लगातार 4 दिनों से अतीक अहमद स्कोर 13 रन, 13 स्कोर पर टीटू अपने एक ओवर की गेंदबाजी करते हुए एक छोटे का पहला ओवर लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा। आप ही निकले वन चुनेगा, इसी बीच ये शादाब ने भी डिलीवरी अच्छा पुल किया है, ये 4 की बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। अरे आप आए नहीं मुख्तार भाई, गुस्सा कहाँ हो रहा हो भाई, वही चीजें बार बार पूछ रहे हो तो
चौथा ओवर की प्रगति पर स्कोर है 19। टीटू अपने कोटे का पहला, टीम के कोटे का चौथा ओवर लेकर आए टीटू। मैदान पर टीम के कीर्तन अब चंदन जाते हुए मैदान पर, कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा चंदन आपको। आपकी जो टीम है यह बिल्कुल मझधार में फंसी हुई। अंकित मौर्या ने बहुत ही शानदार ये कैच लपकाए। अब धीरे धीरे जो टीम है मुंगेर बिहार, इनका जो मिडिल ऑर्डर है बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। अब यहाँ से जो टीम की कैप्टन है इनके ऊपर अब जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, और जो टीम का कैप्टन होता है वो टीम का योद्धा होता है। आपको योद्धा की तरह बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। टीटू ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, अपनी टीम को एक बड़ी सफलता दिलाई है। चौथा ओवर ये प्रगति पर, और अगला मैच जो होगा पास करने के लिए फिर से तैयार जो है। स्कोर बोर्ड चलाते अच्छी गेंद, हवे में गेंद, दो मैच लेने की जाकर गिरी एक आसानी के साथ। इस एक के साथ स्कोर पहुंच चुका है 30 रनों पर। रन लेने की कोशिश लेकिन मां ने इनकार किया। मुंगेर बिहार ने टॉस जीत कर बल्लेबाजी करने का फैसला। चौथा ओवर की प्रगति पर 8+7 ओवर का ये मुकाबला, और अभी तक मात्र स्कोर बोर्ड के ऊपर रन की संख्या है 20 रन। क्या शानदार गेंदबाजी की तालिब ने। दो ओवर के इस खेल में मात्र 8 रन और 3 बड़ी सफलता। साथ ही साथ टीटू अपने कोटे का पहला ओवर। इसी बीच अगली गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा, चंदन रन चाहते थे लेकिन इस टाइगर बल्लेबाज ने इनकार किया। विकेट कीपर के रूप में अंकित मौर्या एक स्लिप लगा रखी है, एक खिलाड़ी को लगा रखा है पॉइंट की दिशा में। एक खिलाड़ी है लालाज, एक खिलाड़ी है लालाज, एक खिलाड़ी है कौपानों की दिशा में, एक खिलाड़ी है विकेट, एक खिलाड़ी को लगा रखा है स्कोर लेग बाउंड्री की दिशा में। इस तरीके से फील्ड पोजीशन को लगा रखा है टीटू ने। क्या लाजवाब गेंदबाजी की है इस विकेट के ऊपर तालीब। अगर आप इतनी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और जो आपने लेंथ को बरकरार रखा है, जो एक आदर्श टप्पा है क्रिकेट का, इसी बीच तेज रफ्तार की गेंद बिल्कुल समझ नहीं आ रही है मुंगेर बिहार में किसी भी खिलाड़ियों को। चलिए भाई, एक पड़ने के बाद रफ्तार के साथ दे जा रही है विकेट कीपर के साथ आरोप। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इसके बेट के ऊपर मात्र 20 रन। आगे की जो चार ओवर की कमेंट्री है वह अपने साथी कमेंटेटर मेहमान कमेंटेटर जो जौनपुर से बिलोंग करते हैं, सिराज हिंद जौनपुर, और आज इनका जन्मदिन है, आज इनके योग पैदाइश का दिन है। मैं इनके रोशन मुस्तकबिल की कामना करता हूँ और कामना के साथ अन्य चाहूंगा आगे की कमेंट्री मेरे बड़े भाई तालिब सिद्दीकी साहब की जुबानी। थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया फैयाज। एक बार फिर से इस अति कैमल मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत कर रहा हूँ। एक बेहतरीन कॉन्टेस्ट, हालांकि अभी तक प्रेशर में दिख रही है मुंगेर बिहार की टीम, चार ओवर में सिर्फ 20 रन। अब चले हैं अबू सामा, आप स्टंप के बाहर आते हैं। देखिए कि हर दर्शकों को बता दूं कि ये वही गेंदबाज है, ये वही खिलाड़ी है जिसने जामिया कप में सेमीफाइनल मुकाबले में एक गेंद से सेमीफाइनल में छक्का चाहिए था। कमेटी ने ऐलान किया कि छक्का लगेगा तो 60,000 मिलेगा, और उस गेंदबाज ने छक्का लगाया था। बहुत ही शानदार ये ऑलराउंडर है, अपने टीम के लिए 60,000 रुपए की प्राइज इसी खिलाड़ी को मिली थी जिसने छक्का लगाया था सेमीफाइनल मुकाबले में। जामिया कप पूर्वांचल का सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा दर्शकों वाला ये टूर्नामेंट होता है, उस टीम का हिस्सा था उस टूर्नामेंट का। और जामिया कप की बिना टीम गई थी कामरान एंड कंपनी, कामरान खान। तो बिल्कुल अभी तक बांध कर रखा है, अभी तक बल्ले पे गेंद नहीं आ रही है। आग लगा दिया किसी ने माचिस से भाई, बहुत बॉलर का क्या हाल हो रहा होगा सोचो। नहीं, हम लोग का ज्यादा बुरा। अरे बॉलर लोग का क्या हाल हो रहा, हम लोग वहां से आ रहे हैं ना, एसी में रह के आए हैं, हालत खराब है। इसको अभी रुका हुआ है 20, और हम बोल रहे हैं 24 में कर दो। कमेटी के जो बच्चे हैं वो लाइव टेलीकास्ट वालों के पास पानी भिजवा दें, आज गर्मी का दिन ज्यादा है। अबू सामा तैयार है, बिल्कुल यार। ये प्रयास करने के जो गिरबाज साइड आर्म एक्शन से गिरबाजी करता है उसकी लेंथ बड़ी अच्छी गिरती है,
बिल्कुल यार्क लाइन को जोर गिरती है, जैसे लेसिथ मलिंगा किया करते थे, जसप्रीत बुमराह किया करते हैं, श्रीलंका के लिए महेश बतिराना किया करते हैं। ये उसी तरीके के एक्शन के साथ, साइड आर्म एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हैं बुसाबा। स्कोर 20। बहुत अच्छी गेंदबाजी चल रही है, पिच का जबरदस्त इस्तेमाल। आज धूप निकली है, कल बदली थी जिसकी वजह से थोड़ा सा स्किप कर रही थी गेंद, लेकिन आज देखिए उछाल विकेट से, विकेट बहुत तेज खेल रहा है। जैसा कि टॉस टाइम पे टीम कैप्टन मुकेश झा ने बताया कि विकेट तेज है और तेज खेल रहा है। एक और अच्छी गेंद, 20 रन मात्र बोर्ड पर, अंकित मौर्य के हाथ से रन लेना तो बहुत मुश्किल है। मेडल ओवर खत्म किया है गेंदबाज ने, 4-5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर मात्र महज 20 रन। और इसके बाद का जो मुकाबला है टीम जयराजपुर और टीम मारी 11 शर्मा, बिल्कुल तैयार हो जाए मोनू भाई, कॉन्टैक्ट कर लें और आइए बॉलिंग विश्लेषण देखते हैं अभी तक के खेल में। जो दर्शक हमारे साथ देरी से जुड़े, मैं बता दूं कि आज ये चौथे दिन का पहला मुकाबला है मरहूम अतीक अहमद मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का। टॉस जीता मुंगेर बिहार के कैप्टन ने, बैटिंग का फैसला किया, पहले ही ओवर में तालिब ने बैकफुट पे खड़ा कर दिया और सौरभ का विकेट निकाला। तालिब ने 2 ओवर में अब तक कुल मिलाकर 7 रन दिए हैं, 2-3 विकेट निकाली है, 8 रन दिए हैं 2 ओवर में। और उस अबू सामा ने क्या गजब की गेंदबाजी की है, 2 ओवर 1 मेडल 3 विकेट, 3 रन सॉरी विकेट नहीं मिला। और अक्सर यही होता है जैसा कि अर्शदीप सिंह ने बताया था कि तो सामने से बुमराह गेंदबाजी करते हैं, डॉट बॉल खिलाते हैं, तो फिर सामने बल्लेबाज उनकी गेंदबाजी को टारगेट करता है, विकेट मिलता है। टीटू की ये गेंद, उसको वो लॉक कर दिया है फाइनल लेग बाउंड्री के बाहर, गगन चुंबी फाइनल लेग के बाहर 6 रन। ऐसे ही छक्कों की जरूरत है और इस 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा 26। ये आखिरी के 3 ओवर कहीं ना कहीं टीम 60-70 रन तक पहुंचना चाहेगी। टीटू राइट हैंड ओवर, another slow over outside the of the seven further moving other umpire stretches arm, Pradeep Yadav signals that's a wide. So with that extra score is now on 27. I am Utali welcoming all of you wherever you are, either you have joined through the live Facebook and YouTube pages of Kasba Mahure CL Sport and Zafar NZ. Yeah, bhai no. Sahil Ali, aapka bhi welcome hai. Usme koi do. Plane delivery. And yesterday also I mentioned is that cross barrel shots are not easy on this track, Bayaz, because wicket is so fast, playing like a park wicket of Australia. If you go through the line, then it's easy. If you play in the V shape, if you are playing with a straight bat, it becomes easy. Yesterday we play, we saw how Samar Pandya played, Ravi Banati played. Wow, what a strike, flaring across. Magnificent is stroke, intensity is the supreme best, and that's gone, traveling a lot, over the midway, over the square leg boundary, for the other 6. With that 6, the score is now 33. That is, 3 chakke lage, 3 chakke, T2 ke over mein aaye hain. Taiyar. Wow! What a strike! Tossed up generously in the slot, and he crunches. What a sound of the bat when the ball hit the bat, and that's gone for 6 more, back to back 6 for right hander. This score is now 39. Rohit ke bat se nikalne wala ye teesra chhakka, aur Rohit Sharma ke naam se jaane jaate hain lingo, to bata rahe hain ki kyun Rohit Sharma inko kaha jata hai. Ek baat se balla chala hai cross ball stroke, is baar balle ki upri sirf lagi hai और रोहित की शानदार बल्लेबाजी पर पकौड़े की तरफ से 100 रुपए का इनाम आया है। ऐसे ही बल्लेबाजी की जरूरत थी, हालांकि शुरुआत नहीं मिली, लेकिन अब यहां से मैं देख रहा हूं कि दोनों बल्लेबाज अब एक छोटी सी साझेदारी पार्टनरशिप निभा रहे हैं। स्कोर इस 1 के साथ पहुंचा है 40। दिस इज द 6th ओवर इन प्रोग्रेस ऑफ द फर्स्ट इनिंग। दोज हू हैव स्टूड लेटर एंड जॉइंड अस लेटर, Mungir Bihar winning the toss and decided to bat first. T2, right hand, over the wicket. Good delivery this time. Welcome back. End of the over. This umpire for Pradeep Yadav. And after the conclusion of the 6th over, the scorecard at the moment 40, losing 4 wickets.
द फर्स्ट गो वॉज सौरभ फॉलोड बाई राजवीर राहुल एंड अमित. चार विकेट गिरी है. पहला विकेट सभी बता रहे हैं कि शून्य पे गिरा था, दूसरा चार पे, तीसरा दस पे, चौथा उन्नीस पर. उसके बाद से ये 21 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों ने की है. गिरबाज का नाम बता दें भाई, यहाँ के मौसम की कुछ जानकारी है, तापमान कितना है, तापमान भी बॉलर ने 49 सनी सनी को बुलाया है. 5 ओवर हुए हैं और बहुत भयानक उमर 6 ओवर हो चुके हैं और धूप भी बहुत. 6 ओवर में अब तक 40 बने हैं. क्या 2 ओवर में, आखिरी के 2 ओवर में 35 से 40 बनाए जा सकते हैं? लेट्स सी. रोहित इज लुकिंग इन टी2 बाय बॉलिंग कर रहे हैं. ट्रेमेंडस कैच एट द मोमेंट. Wow, lovely, innovative throw, marvelous throw, masterclass from this man. Another one over the tree and that's gone. 6 more runs, high anthem by Rohit. His score is now 146. क्या बल्लेबाजी चल रही है? 4 छक्के लगा चुके हैं अपनी इस पारी में रोहित. 8 गेंदों का सामना किया है, 27 पर पहुंच चुके हैं. तो ये है बल्लेबाज है जिसने प्रेशर को रिलीज किया है कुछ अलग अंदाज में खेल रहे हैं. ये लगा शानदार, लाजवाब, गजब की बल्लेबाजी. तालियां बजाइए इस बल्लेबाज के लिए, अप्रिशिएट करिए इस बल्लेबाज को. दूसरा लगातार छक्के के साथ 52 रनों का स्कोर, 50 हो रही है. बैक टू बैक ये दूसरा छक्का और पिछली 7 गेंदों पर ये 5वां छक्का है बल्लेबाज रोहित का. बिल्कुल प्रेशर को रिलीज कर दिया है. ताली पटक बजे सनी के बता रहे हैं, लेकिन रोहित की शानदार बल्लेबाजी प्रयास देने कई मोमेंटम को शिफ्ट कर दिया बल्लेबाज ने. जयराजपुर जो आतिश इसी तरीके से टीम जाएगी, खेलते रहे. 52 का स्कोर होगा, 50 टू राउ. लेट्स सी ही विल सक्सीड टू हिट द थर्ड वन. ओहो हो, ये शॉर्ट बॉल मिस कर बैठे अपने आप से नाखुश. ये हिट मी बॉल थी, छक्के वाली बॉल थी. जबरदस्त ये मुकाबला और वापसी करा दिया रोहित की बल्लेबाजी ने. जैसे कि बल्लेबाजी की थी अक्षर पटेल ने जब 3 विकेट गिर गई भैया, उसके बाद से ये पारी वही लग रही है 3 छक्कों वाली. तैयार सनी. इस बार अंपायर का इशारा वाइड और 1 पर ओवर का भी इशारा कर दिया अंपायर ने कि अगले बाउंसर आप करेंगे तो फिर नो बॉल करा दी जाएगी. स्कोर हुआ है 53, 53 ऑन द बोर्ड. आज कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा. ये बड़ा मंच है, ये बड़ा मुकाबला है, डिवाइडाई सिचुएशन है, करो या मरो की स्थिति है. काम ऐसा करना पड़ेगा दोनों ही टीम के खिलाड़ियों को भी आपकी पहचान बने, आपका नाम बने, उसके लिए काम करना पड़ेगा. सनी फिर से उठाया है एफर्टलेस स्ट्रोक एंड द स्ट्रगल ओवर द लॉग ऑफ बाउंड्री वंस अगेन. ये कनाडा सिक्स फ्रॉम रोहित. क्या बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज. एक और छक्के के साथ स्कोर पर 54 आसिफ भाई. पिछले 2 ओवर में 7 छक्के लगे हैं आसिफ भाई. 39 पर पहुंच चुके हैं ये बल्लेबाज. क्या बल्लेबाजी कर रहा है, 6 छक्के लगा चुका है. और नाम नहीं, ये काम नहीं, ब्रांड बोलना इसका. 13 गेंदे 39, जबरदस्त कॉन्टेस्ट, जबरदस्त बल्लेबाजी. ये तो बिल्कुल लाइन और लेंथ को बिल्कुल खराब कर दिया है. यहाँ पे रन आउट का मौका हो सकता है, रन शॉट कर दिया गया है. विकेट पे रन लेंगे तो रन शॉट कर दिए जाएंगे. टॉस के टाइम भी बताया गया था दोनों ही टीमों को ये बात में ध्यान रखना है. स्कोर अभी भी रुका हुआ 59. What a contest we are going to witness here at this Nadwasaray Bowl. In a late epic Ahmed Memorial Cricket Tournament, first prize is by, second prize by, man of the series is by. इस बार फिर से घूम कर खेलने की कोशिश और रन के लिए मना कर दिया जिस विकेट कीपर के पास बिना किसी रन के. और अंकित मौर्या के पास से भी रन लेने की कोशिश कोई भी बल्लेबाज नहीं करता है. सो ओवर नंबर 7 overs been completed, 7 overs gone, 59 is the score. 5वें विकेट के लिए अब तक 40 रनों की साझेदारी ये दोनों बल्लेबाज कर चुके हैं. कहीं ना कहीं ये आखिरी ओवर रोहित खेलेंगे. 14 गेंदें खेली है, 39 रन बनाए, 6 छक्के लगाए फिलहाल. और शुरुआत में अगर उनके बल्लेबाजों ने 7-8 रन भी ओवर बनाए होते तो शायद आज ये स्कोर कुछ और होता.
लेकिन दिस इज अ गेम ऑफ ग्लोरी कुछ भी हो सकता है क्रिकेट के गेम में। ये क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है भैया, गाली गलौज मत करिए वरना सीधे ब्लॉक होंगे। पहचान बनानी है, मिसाल बनानी है तो कुछ करना पड़ेगा। और कहते हैं कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी को हर कोई काट लेता है, जिंदगी ऐसे जियो कि आपकी मिसाल बन जाए। ये रोहित मिसाल कायम करने वाली पारी खेल रहा है अपनी टीम के लिए। 39 पर 14 गेंदे अंकित। Way down the leg side, an umpire Pradeep Yadav stretches arm, indicating Sachin that you have to wear a run in the column of extras and bowler has to go on an extra delivery in this over. With that extra score is now 60. Sajran, बेहतरीन मुकाबला चल रहा है। तैयार? नहीं भाई नहीं। Once again, waiver delivery, back to back second wide of this over. स्कोर इज नाउ 61। एक सेट का स्कोर हुआ है। कहीं ना कहीं विकेट आज ज्यादा तेज खेल रहा है भैयाज। और कहने के पहले दिन हमने देखा कि हर मैच में 100 का आंकड़ा पूरा हो रहा था, दूसरे दिन 100 का आंकड़ा नहीं आया, मिल गया। कल भी अच्छे खासे रन नहीं आए थे और इस बार के दवा में कैच वहां संभावना और इस तरीके से वापस दे जाए अंकित मौर्या ने। एक बड़ा विकेट मिला है आखिरी ओवर में। क्या लाजवाब यहाँ पे पारी के लिए भाई, जोरों पारियों के साथ स्वागत करें इस बल्लेबाज का। शानदार पारी, मोमेंटम को शिफ्ट किया, 15 गेंदे 39 रन 6 छक्के लगाए। एक वक्त लग रहा था कि ये टीम 50 भी नहीं कर पाएगी, लेकिन अब स्कोर एक सट्टा है। नी बैट्समैन ने ब्रजेश, ब्रजेश पहुंच रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। ब्रजेश अब ताली पठान भी कुछ पहुंचे हैं गिरबाज से, अंकित से बात कर रहे हैं। 5 गेंदें बची हैं इस मुकाबले में, दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप सभी दर्शकों का नदवा सराय मऊ में मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। कोई मऊ से आया है, कोई गाजीपुर से आ रहा है, कोई बंदी कला से है, कोई मोहम्मदाबाद से है। आप जहाँ कहीं भी से आए हो, नदवा सराय मऊ आपका स्वागत कर रहा है। लाइव टेलीकास्ट में देख रहा हूँ कि कोई कुवैत में है, कोई दुबई में है, मुंबई है, उम्मीदें बन रही है। सभी लोगों का शुक्रिया जिसका प्लेइंग 11 नहीं आया है। चलिए तैयार 11 जयराजपुर वो आ जाए, फिर देखते हैं कौन कौन बचे हैं तो सेमीफाइनल में। बॉलर बैक ड्राइव अंकित मौर्य के सर के ऊपर, सेकंड पहुंची है लॉग ऑन की दिशा में। एक रन के लिए, एक के साथ स्कोर 62। अगला मुकाबला भी दो बेहतरीन टीमें हैं, दो बड़ी टीमें हैं हिंदुस्तान के। सारे सितारे आपको देखते हैं, खेलने को देखेंगे। नाउ इट्स अप टू द कैप्टन चंदन। 8 गेंदे 1 रन बनाया है सर, इस बार को तो निकाला है। फाइनल कल है भाई, फाइनल कल है भाई। 1 रन और उनके खाते में। इस 8 ओवर के मुकाबले में अगर आप बढ़िया है भाई 10 गेंदों पर 2 रन बना रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं टीम को प्रेशर में डाल रहे हैं। स्कोर 1 के साथ पहुंचा है 63 रन। ये अब तक का सबसे कम स्कोर बनाया जाएगा। अगर 85 मिर्जा सलमान सबसे कम स्कोर है आखिर के मुकाबले में। इस बार मना कर दिया रन लेने के लिए, रन नहीं लिया। फिर से दीजिए सारी गेंदें हमें। अभी भी स्कोर रुका हुआ है 63 रनों पर। मजबूत है, आज कुछ अलग होगा अगर सैयाद ये टारगेट हासिल कर लेती है आबिद 11 की भूमिका के टीम, क्योंकि अभी तक 4 दिनों में एक भी मुकाबला सेकंड बैटिंग टीम नहीं जीती है। आतिश 11 जयराजपुर बनाम, बल्ले का लगा किनारा, आसान सा कैच चीजों के लिए। 1 मोर विकेट फॉर 847 फ्रॉम मध्य प्रदेश अंकित मौर्य। क्या ये खिलाड़ी है, विकेट कीपिंग लाजवाब करता है, बैटिंग स्टाइल आप देखिएगा। अभी बड़े बड़े छक्के लगाते हैं, ये स्टाइलिश छक्के लगाते हैं, गेंदबाजी भी कर लेते हैं, फील्डिंग भी कर लेते हैं, कैचिंग लाजवाब आपने देखी थी। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी इस क्रिकेट पे मुंबई बिहार को। पहुंचे हैं बल्लेबाजी के लिए और स्कोर अभी भी रुका हुआ है 63 रन। क्या एक तो छक्के लगेंगे, मोमेंटम शिफ्ट होगा 3 के ओवर में, या फिर एक और विकेट निकालेंगे अंकित। 4 खिलाड़ी लेग साइड में, बाउंड्री लाइन पर तैनात। इस बार गेंद जड़ में बिल्कुल यॉर्कर,
सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। नानी स्ट्राइकर पर थ्रो आया और इस तरीके से दो रन मिल जाएगा। एक दो के साथ स्कोर पहुंचा है 65-66 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए। शॉट है, एक छोटा सा टारगेट मिला है 8 ओवरों के मुकाबले में। 8 ओवर में 66 और अब तक का ये सबसे कमेंट क्या क्या कर रहा है नुमान शेख की टीम का, क्या रोहित आ जाए अपने मुकाबले में। हार गई है भाई नुमान कंपनी, हार नुमान भाई की खेले थे बिहार की टीम में बाहर होगी सलमान मिर्जा। अब आपको काम करना है गेंदबाजी में। 8 ओवर में 66 और ओवर में इस विकेट पे, हालांकि पहले दो तीन दिन का विकेट कुछ और था, अभी ये विकेट कुछ और है। तो कहां तक देखते हैं भैया इस मुकाबले में, टारगेट कर सकते हैं भैया महेश कहां और राजन नदवासराय। आईपीएल बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी, तालीम इस तरीके से बॉलिंग किए आबिद गुलेदर चले डाले, बिल्कुल उसी प्रकार से अब मुंगेर बिहार को बॉलिंग करनी पड़ेगी। बैटिंग तो आपने उतनी अच्छी रहेगी, मात्र दो सेमीफाइनल में 65 बने 66 का एक छोटा सा टारगेट आप कह सकते हैं। और इस विकेट के ऊपर तो बिल्कुल ये सवाल के नीचे थे, लेकिन आपने सही कहा प्रकार से विकेट खेल रही है। तो दूसरे दिन तो बारिश हुई थी जो पूरा लाच है, उसके बाद से विकेट उठाना शुरू हो गया है। लेकिन आप एक अच्छे खिलाड़ी है, जब आप अंकित मोरिया बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे, बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे, बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे, अभिषेक एक अच्छे बल्लेबाज है, शहनाज एक अच्छे बल्लेबाज है, पानी लाया हूँ, चला जल्दी जा बाबू मैं बटन भरवा लूँ। अच्छा भाई बोल रहे हैं भाई, है नहीं भाई हमारी और बारिश लुधियाना से आजमगढ़ जफर यही है अभी। ये कोई बहुत बड़ा कमेंट किया अर्जुन चौहान, इतनी गर्मी में किसी को 8 घंटा ड्यूटी खाली बंडल काय कर लेगा अगर फेंक दो अभी जाए तो कोई काम नहीं करेगा। जयराजपुर और पारी 11 शेरवा दोनों टीम के कल अपनी प्लेइंग 11 हमारे तक पहुंचा दी। मारी 11 शेरवा और जयराजपुर दोनों टीमें अपने 11 खिलाड़ियों का नाम तक पहुंचा दे। क्या शानदार मुकाबला चल रहा है, पहली बल्लेबाजी करते हुए बिहार में मौसम बहुत कर रहा। 8 ओवर में जो रन बनाए मात्र 65 का एक छोटा सा मौसम बन रहा है, मौसम जैसे ही बादल ये बात के ऊपर आता है हवा चलने लगती है। अभी तक 3 दिन में यही हुआ, दीवारा लगा ले और उसके बाद भी तारीख बहुत ही शानदार मैच है। मारी 11 सेवा ट्रेवल एक्सप्रेस जयराजपुर बहुत ही शानदार मुकाबला होने वाला है अगला मुकाबला। फिलहाल अगर इस मुकाबले की बात करें तो बल्लेबाजी की टॉस जीतने के बाद जो टीम के कैप्टन थे चंदन, टॉस जीतने के तुरंत बाद उन्होंने ऐलान किया था कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। अगर रोहित को छोड़ दे तो रोहित के अलावा किसी ने भी 10 का आंकड़ा पार नहीं किया है। 11 गेंदें खेली टीम कैप्टन और अंकित मौर्य 41 लगातार 3 छक्के पर उनके विराट शमशाद बाबा खान साहब प्रधान नलवा सराय की तरफ से 500 का इनाम है। और हमें पार्टी से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे स्पॉन्सर्स का, इसके वैली प्रोजेक्ट जनाब शकील खान सर बमरा फर्स्ट प्राइज उनकी तरफ से है भाई, अल अमाज ट्रेवल सर्विसेज मुंबई जनाब अमरुद्दीन साहब मुंबई, परवीन मद्देशिया जी ओनर ऑफ किंग सीजन इंटरनेशनल स्कूल मोहम्मदाबाद, नेशनल स्पोर्ट्स मोहम्मदाबाद सादिक किरमानी की तरफ से हर मैच में मैन ऑफ द मैच टी शर्ट, मैरियो रस बिस्किट रामबंदूर की तरफ से, डीएसआर ट्रेडर सलीम भाई और नदीम भाई डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, संदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंटेशी सेंटर, जायका फैमिली ढाबा
ये हमारे स्पॉन्सर्स, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए। आइए क्या कुछ होता है इस पारी में, और मैं दोनों टीम कैप्टन से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप कमेंट्री बॉक्स पर आ जाएं अगले मुकाबले के लिए। जो अगला मुकाबला है बहुत ही जबरदस्त मुकाबला है जिसका इंतजार हम कर रहे हैं, मारी 11 शर्मा। और मैं दोनों टीम से गुजारिश कर रहा हूँ कि मैच थोड़ा जल्दी करें क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। हम चाहते हैं कि कम से कम मैचेस, जितने मैचेस हो जाए वो कंप्लीट हो जाए। तो दोनों बल्लेबाज पहुंचे हैं, आगे क्या कुछ होगा। थक गए इस वजह से नहीं खेल पाए। बहुत शुक्रिया तालीम खेल गया और अमन अमन हैट्रिक 6 पर अंकित मुर्या को ये बंदा वर्तमान ग्राम प्रधान नगरा प्रभाव शमशाद खान साहब को बाबा की तरफ से 500 रुपए का इनाम किया गया है। अच्छा अच्छा, उसमें कमी नहीं होता लेकिन बालक ने बता दे किस्मत। रिंकू भाई कल खेलेंगे, अमन कुमार गोरा अमन अपने को देखा पहला और टीम के प्रति का पहला बल लेकर आए गेंद बाजी करने के लिए। मारी 11 शेरवा और जयराजपुर दोनों टीम पर आ जाए और अपनी ट्रेनिंग लेवल दे रहे। आठ में सात ओवर का ये मुकाबला, टॉस जीत कर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है टीम के तनाव। मुंगेर बिहार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड के ऊपर मात्र 63 बनाए, 6 का टारगेट है। पहली गेंद रिवर्सिंग करने का प्रयास, बल्ले से कोई संपर्क नहीं, मात्र अभी तो आए नहीं है, कल सेमीफाइनल में उम्मीद है। खाचक का टारगेट, फाइनल कब है, कल फाइनल है भाई, कल सेमीफाइनल और फाइनल। पहला ओवर की प्रगति पर लाजवाब गेंद हवे में गेंद जाती हुई और दूसरी गेंद पर छक्के के साथ शुरुआत की है अंकित मौर्या ने। ये पावर हिटर ये बल्लेबाज है, इनके पास काबिलियत है, एबिलिटी है, ये पूरे भारत में घूम के क्रिकेट खेलते हैं, इन्हें मालूम है इस विकेट को इन्होंने पढ़ लिया है। और तालीम कल शाम में इन्होंने 1 घंटे इस विकेट पर प्रैक्टिस की है, नगरवास राय के जितने भी बॉलर थे सभी ने इनको बॉलिंग की है और इन्होंने प्रैक्टिस की है इस मैदान पर। कल अंकित अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद और देख लिया था के पास रिवर्सिंग करने वाले बिल्कुल इस शब्द की तरफ के पास ही मात्र एक रन से संतोष दोनों गेंद बल्लेबाज। इसी के साथ स्कोर पहुंच चुका है 7 रन। पहला ओवर की प्रगति पर अब स्ट्राइक करेंगे शहनवाज। लेफ्ट और राइट का कंबिनेशन जब भी मैदान पर होता है तो फील्ड में लगातार परिवर्तन करना पड़ता है। आदिल आदिल की तरफ से हैट्रिक 6 पे 500 रुपए का इनाम है। ये पहले ओवर में पहला विकेट निकाल कर दिया है के पास ने। अगर पहले ओवर में देखा जाए तो बहुत कुछ देखने को मिला है। और अंकित मौर्या के लगातार 3 छक्के पर यानी हैट्रिक 6 पर प्रदीप यादव जो यहीं से बिलोंग करते नरवास राय से, उन्होंने 500 रुपए देने का ऐलान किया है। ये सारे इनाम जो लगाए जा रहे हैं उस वक्त अंकित मौर्या के लिए स्कोर अभी भी मात्र 7 रन। अब बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं अबुजर, स्कोर है मात्र 7। पहला ओवर ये प्रगति पर पहली गेंद अच्छी गेंद की रिवर्सिंग किया था बल्लेबाज अंकित मौर्या ने, लेकिन दूसरी गेंद थोड़ा सा दिशा से भटके और कवर के ऊपर से बहुत ही लाजवाब 6 लगाया था अंकित मौर्या ने। तीसरी गेंद फिर से रिवर्सिंग करने का प्रयास, ब्लॉक होल में गेंद एक आसानी के साथ और चौथी गेंद का सामना किया शहनवाज ने कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास और हाथों में गिर गए। अब तक 4 गेंदें इस ओवर में हुई है और मात्र स्कोर बोर्ड के ऊपर 7 रन। चाचक का एक छोटा सा टारगेट, अब आपको बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, अब यहाँ से आपको मात्र रन रेट को मेंटेन करके रखना है, मात्र 8 रन प्रति ओवर यहाँ से चाहिए आपको जीतने के लिए। छात्र का एक छोटा सा टारगेट, तीसरी बीच अगली गेंद अबुजर के लिए हल्के हाथ से खेला, अबुजर ने कवर ड्राइव किया एक आसानी के साथ, फिर बल्लेबाज ने पूरा किया, इसी के साथ स्कोर पहुंच चुका है 8 रनों पर। अब स्ट्राइक करेंगे अंकित,
अलुआ पार के चंदन, उन्होंने अंकित मोहिया के लगातार चार छक्के पर 1000 रुपए का इनाम घोषित किया है। ये सारे इनाम अंकित मोहिया के आज लगाए जा रहे हैं। क्या अंकित मोहिया वो इनाम अपने नाम दर्ज करेंगे? और बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने एक सफलता दो सफलता अर्जित की थी। इसे रीच अगली गेंद लो मैन स्लेयर में गेंद जाकर गिरी है और इसी के साथ स्कोर पहुंच चुका है 9 रन। की समाप्ति का ऐलान 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 9 रन। और बहुत ही खूबसूरत ये मध्यम सी खूबसूरत ये हवाएं जो आज अति केवल मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के चारों दिशाओं में चलती हुई नजर आ रही है। क्या खूबसूरत ये दृश्य, क्या खूबसूरत ये नजारा मैदान को देखने को मिल रहा है। थोड़ा जल्दी गए इसके बाद बहुत सारे मैचेस करा रहे हैं। 8+4 ओवर का ये मुकाबला टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला अभी ही 42-57 की दरकार है। और क्रिकेट को अनिश्चितता का खेल कहा जाता है। अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का T20 विश्व कप का फाइनल चल रहा था, 30 गेंदों पे 30 रन चाहिए थे और वहां से बुमराह ने जो वापसी कराई थी, सूर्य कुमार यादव ने जो कैच लपका था, क्या लाजवाब गेंदबाजी की थी जसप्रीत बुमराह ने। 42 गेंद 57 रन अब यहां से चाहिए। गेंदबाज का नाम बता दे, जयराजपुर अपनी प्लेइंग 11 लाके जमा कर दे। अमित अपने कोटे का पहला, टीम के कोटे का लेकर आए ये 2रा ओवर। 8+7 ओवर का ये मुकाबला, अमित अपने कोटे का पहला। पहली गेंद अंकित मोर्या के लिए, लेकिन सबसे थोड़ी सी बार व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ और काफी सारे इनाम लगाए गए अंकित मोर्या पर। लगातार 3 छक्के पर वर्तमान ग्राम प्रधान नदवास राय शमशाद खान साहब भुदावा ने 500 रुपए, चंदन सिपाही जी जो अलुआ पार से बिलोंग करते हैं उन्होंने 4 लगातार छक्के पर अंकित मोर्या को 1000 रुपए के राय की घोषणा की है। इसी बीच अगली गेंद हवेली गेंद लहराती हुई और गेंद ये सीधे चाप है तो रन की क्लियर है और इस दो के साथ स्कोर पहुंच चुका है धीरे धीरे 12 रनों पर। स्कोर है 12 और साथ ही साथ संदीप यादव उन्होंने भी अंकित मोर्या के लगातार 3 छक्के पर 500 रुपए के इनाम देने की घोषणा की है। ताली जैसे बहुत कम देखते हैं जब कोई खिलाड़ी किसी खिलाड़ी पर इनाम लगाता है। संदीप यादव भी काफी अच्छे दोस्तों में ये शुमार है अंकित मोर्या, इनके साथ उन्होंने काफी क्रिकेट खेली है उड़ीसा में। अंकित के लिए अगली गेंद कागे जा रही है और ये बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। ये ऐसा लगा जैसे ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी कर रहे हो। वॉलंटियर गेंद की सवारी बना रखे, अभी कल तो रिंकू यादव वॉलंटियर गेंद की सवारी बना रखे भाई, प्लेयर जा रहे गेंद लाने के लिए। वॉलंटियर की बात का ध्यान दो, ये अंकित मोर्या है, ये लाजवाब ये बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करते हुए अब तक उन्होंने 2 छक्के लगाए। पहला छक्का कवर के ऊपर से ये छक्का रिवर्स स्वीप के अंदाज में, क्या शानदार बल्लेबाजी चलती हुई। स्कोर पर इस वक्त 18 रन 2रा ओवर की प्रगति पर, तो धीरे धीरे जो रन रेट है उसको मेंटेन कर दिया है अंकित मोर्या ने। अगली गेंद इस बार शानदार रन की डिलीवरी, बल्ला के तेज चलाया और की जाएगी सीधे इसको ले पाने की दिशा में 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ स्कोर पहुंच चुका है 22 रन और ये निश्चित 360 डिग्री ये खिलाड़ी है। ये जब मैदान पे आते हैं तो इनकी आंखें जब जम जाती है तो ये मैदान के चारों दिशाओं में शांत लगाते हैं। अगली गेंद अंकित मोर्यान फायर, ये लंबा हिट अंकित मोर्या अगर है कहां से 6 लगाते हैं तो प्रदीप यादव की तरफ से 500 रुपए। अंकित मोर्या क्या एक हाथ से 6 लगाएंगे? ये रिवर्स स्वीप, ये ताली क्या ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ये खिलवाड़ कर रहे हैं कि 5 के साथ 2 लगातार 6। एक छक्का अगर और आता है, अगर एक हाथ से 6 लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम प्रदीप यादव की तरफ से। आदित्य भाई की तरफ से लगातार 3 छक्के पर 500 रुपए। पूरे प्रकाश नगवास राय शमशाद खान साहब का अपने से 500 रुपए। बार हल्के हाथ से खेलने का प्रयास और ये बड़े खिलाड़ी की पहचान है। इन्होंने 500 रुपए की तरफ नहीं गए,
इन्होंने सम्मान दिया बॉलर को। दो ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर अगर आप देखें तो मात्र 34 रन। अब मैं चाहूंगा आगे की जो कमेंट्री है हमारे साथ ही कमेंटेटर तालिब सिद्दीकी। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी का तो हम इंतजार कर रहे थे, दर्शक इंतजार कर रहे थे। और टीम जयराजपुर प्लीज अप आ जाए और प्लेइंग लेवल लिख दे दे। क्या मुकाबला चल रहा है, दो ओवर में 34 रन 66 के जवाब में। सभी दर्शकों का स्वागत है। क्या मुकाबला चल रहा है, लेकिन इस मुकाबले को बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि हम आईपीएल देख रहे हैं और उल्टे बैट से सीधे बैट से कभी फ्लिक करके कभी रिवर्स स्विंग करके इतने बड़े छक्के तो लेग हैंडर ने भी लगाए हुए इतनी दूर जो मार रहे हैं। तीन लगातार छक्के पे कामरान खान साहब के बड़े भाई जनाब इस गांव के प्रधान जनाब शमशाद खान साहब की तरफ से 500 रुपए और आबिद ठाकुर जी की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम है हैट्रिक छक्के लगाने पर। और इस बार वहां पे थ्रो लगा है लेकिन एक रन दौड़कर पूरा किया है। आदिल हाफिज जी की तरफ से 500 का इनाम है ये बल्लेबाजों के लिए। और वहीं अंकित मौर्य के लिए 3 लगातार छक्के पर खत्म होगी वो तो अपना ग्राम प्रधान मौजूदा ग्राम प्रधान नदवा सराय जनाब शमशाद खान बाबा साहब जो कामरान खान एक्स आईपीएल प्लेयर के बड़े भाई और लगातार हम लोगों के साथ हौसला अफजाई कर रहे हैं। क्या जबरदस्त है भाई, हर एक दर्शक से मैं चाहूंगा कि तालियां बजाए। ऐसी बल्लेबाजी आप बहुत कम देखते हैं। क्या लाजवाब स्ट्रोक, बेहतरीन बल्लेबाजी। 6 के साथ स्कोर पहुंचा 41। क्या बल्लेबाजी चल रही है। पिछले ओवर में छक्के वाली गेंद की हैट्रिक नहीं लगाई, ये होता है सम्मान के पास का। Travel a lot, that's gone for the distance with elevation. Once again, another mighty blow from Ankit Maurya. एक और छक्का। 12 गेंदे 44 पर खेल रहे हैं, टोटल स्कोर 47 में। इस बार फिर से बल्ले का किनारा लगा है और गेंद लगातार गंगनाती हुई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन 2 रन 2 अपने अर्धशतक से 13 गेंदे 48। क्या बल्लेबाजी चल रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम हाईलाइट देख रहे हो। हर गेंद के छक्के चौके लगा रहे हैं। ये है नदवा सराय की शानदार सरगमी इस शानदार क्रिकेट ग्राउंड में। स्वागत, ये अब एक हाथ वाला छक्का ये लगाया है। ये है बल्लेबाज, ये तो सुपरमैन है। ये मैन नहीं है, सुपरमैन है ये। 50 रन पूरे होने पर बल्ला उठाते और बेटा तालियों के साथ स्वागत करें बल्लेबाज का। वेल डन प्रदीप यादव की तरफ से 500। ये सुपरमैन आया है आज नदवा सराय में। और मौजूदा प्रधान जनाब शमशाद खान बाबा साहब की तरफ से कामरान खान साहब के बड़े भाई की तरफ से भी 500 का इनाम आया है बल्लेबाज के लिए। क्या बल्लेबाजी चल रही है, स्कोर क्या पहुंचा है 57। सो 3 ओवर्स गॉन, स्कोर इज 57 ऑन द बोर्ड। आज तो आफ्ताब भाई और आसिफ और जफर इंजीर बड़े खुश है कि आज इनकी ये रील्स बिल्कुल लाखों में मिलियन से जाने वाली है। ऐसे शॉट्स लगाए गए आज, AK-47 जैसा नाम वैसा काम, बिल्कुल दंदन दंदन छक्का लगाया दंदन आके आज। चार दिनों में आज दर्शक देखे, आज बिल्कुल इंतजार में थे। एक हाथ से छक्का, प्रदीप यादव का 500, एक हाथ से छक्का लगाने पर ये अबूजर के लिए गेंद इसको घूम कर खेला है वहां पे। रन आउट का जोरदार फील, लेकिन प्रदीप यादव अपना यहां इनाम दे देंगे। और कहीं पर एक छक्के पर जनाब शमशाद खान साहब मौजूदा प्रधान साहब की तरफ से नदवा सराय मऊ की तरफ से 500। लगातार खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है, पहले दिन से लगातार हम लोगों के साथ जुड़े हैं इस बड़े मंच पर, इस बड़े टूर्नामेंट में। हम आपका दिल की गहराइयां शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अगला मुकाबला भी जुड़े रही है, बहुत बड़ा मुकाबला है। तैयार सामने वाले छोर से वे डाउन द लेग साइड, अंपायर से दैट्स अ नो बॉल। वाइड गेंद का इशारा किया अंपायर ने। गेंदबाज का नाम बता दें सुप्रीत,
बस औपचारिकता है बच्चे इस मुकाबले में। 58 हो गया स्कोर, 59 हो गया, चौथा ओवर चल रहा है। थैंक्स टू रंजीत मौर्य की टाइम बचाया आप लोगों का। ये लगा बहुत दूर, गेंद स्कूल की बिल्डिंग क्रॉस करती हुई 120 मीटर लगभग ये गेंद गई है। क्या बल्लेबाजी चल रही है, सिर्फ 2 रन चाहिए, 1 रन फिर चाहिए। एक हाथ से ये छक्के ये सुपरमैन ही कर सकते हैं, जहां इस मैदान पे 2 हाथों से छक्के नहीं लगा पा रहे, एक एक हाथ से छक्का लगा रहे हैं। उल्टा बैट सीधा बैट एक बार फिर से घुमाया है और गेंद जाएगी इस प्यार लेकर। रन के लिए मना कर दिया, उधर को भी मजा मिल रहा है कि आप खेलते रहिए, सामने देख के मजा आ रहा है। 1 रन और चाहिए, क्या बल्लेबाजी की है। व्हाट अ लवली बैटिंग डिस्प्ले शॉन बाय अंकित मौर्य, 2 विकेट भी निकाला है और बल्लेबाजी में तो क्या रन जमाया आज। और इस बार गेंद बॉल, वेल डन, ताली बजाई, ताली हाथ मिलाया कि आपने अच्छी गेंदबाजी की। लेकिन मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाएं और बैटिंग डिस्प्ले शॉन बाय अंकित मौर्य, मुंगेर के सारे खिलाड़ियों ने उनकी पीठ थपथपाई, वेल डन, बहुत लाजवाब बल्लेबाजी, क्या शानदार बैटिंग की है, एक की जरूरत है। साठ रनों की एक शानदार पारी, और अब बैटिंग डिस्प्ले, जैसा नाम वैसा काम, वेल डन, 60 रन 18 गेंदे, छक्के तो लाजवाब लगे आज। रिवर स्वीप 3 छक्के लगाए, 1 हाथ से 2 छक्के लगाए और लगान लॉग ऑफ किसी भी मैदान के किसी भी कोने को नहीं छोड़ा आज। अगले मुकाबले के दोनों कप्तान रेडी रहेंगे। 1 रन चाहिए, कर सकता हूँ वाइड है, चक्का लगाने की कोशिश, लेकिन वाइड के साथ मैच खत्म हो गया यहाँ पे, और इसी के साथ मुकाबले को जीत लिया है और जीत गई है इस मैच के मैन ऑफ द मैच, नो डाउट, जिसका वन एंड ओनली अंकित मौर्य, एक हाथ से उसका नेशनल स्पोर्ट्स मोहम्मदाबाद शादी के मालिक का गोल देख शानदार और मैरियो रफ बिस्किट रफ बंदे की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स।